हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई हूँ अपने गांव छाता, और जो आप देख रहे हो ये छाता का किला, छाता की छतरी। हमारे गांव का नाम इसी छतरी छाता के नाम से पड़ा था, ये किला जो बना हुआ है। हमने सोचा आज फ्री हैं तो चलो हम बरसाने घूम के आते हैं। तो मैं और मेरे पापा हम निकल चुके बरसाने के लिए। हमने लिया वहाँ से ऑटो, और ऑटो में बहुत सारी हमें भीड़ मिली क्योंकि आज एकादशी। हम पहुंच चुके हैं बरसाने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बरसाने में एंट्री करते हुए। सामने देखिएगा बहुत बड़ा साला गेट, गेट के अंदर हमें एंट्री की, और एंट्री करते ही बारिश स्टार्ट हो गई। पूरी परिक्रमा हमने बारिश में ही दी, मैं और मेरे पापा हम परिक्रमा स्टार्ट कर दी। हमारी ये परिक्रमा खत्म होगी राधा रानी के महल पर, राधा रानी जी के दर्शन करके। बारिश भी स्टार्ट हो गई यहाँ परिक्रमा में, बहुत ही अच्छा मौसम बन गया है बरसाने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मौसम कर दिया है श्री जी ने, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। और यहाँ पे आके केला के प्रसाद बट रहा है, यहाँ पर सब लोग दान करते हैं, केला बट रहे हैं, पानी की थैली बट रही है। ठाकुर जी इनको दियो ना, पैसे दाद है। यहाँ मैंने प्रसाद लिया केले का इनसे, अब परिक्रमा में प्रसाद मिल रहा है तो लेना चाहिए। ये देखो ब्रज की गाय, ये है ब्रज की गाय। छोटे छोटे बच्चे सारे डंडोती दे रहे हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये राधा सरोवर और राधा कुंड, और यहाँ परिक्रमा के बीच में पड़ता है घेवर बन के, और इसको घेवर कुंड भी बोलते हैं। देखो बंदर आ रहा है, केला डाला बंदर के। ये मैंने डाला था केला, जो मुझे मिला प्रसाद मैंने बंदर को दे दिया। ये राधा सरोवर है, इसको राधा कुंड भी बोलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा के बीच में पड़ता है मान मंदिर है, घेवर वन में मान मंदिर। हाँ हाँ, ये मान मंदिर है, पूरा ऊपर सीढ़ियाँ, ऊपर है इस मंदिर। कर लिए, अब हम जा रहे हैं घर। और बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, तब से हम बरसाने में हमने घुसे एंट्री की है, तब से बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ पर।